दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारी साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी का नाम है पैसेंजर्स, जहाँ एक स्पेसशिप 5,000 पैसेंजर्स को लेकर पृथ्वी से एक नए प्लैनेट पे जा रही है, एक नई दुनिया बसाने। सो हेलो एंड वेलकम टू मूवीज इन शॉर्ट हिंदी। तो मूवी की शुरुआत इस स्पेसशिप से होती है, जो कि 5,000 पैसेंजर्स को ले के एक नए प्लैनेट पे जा रही है, क्योंकि पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं बचा। और उस नए प्लैनेट का नाम है होमस्टे 2। इन 5,000 पैसेंजर्स को पृथ्वी से होमस्टे 2 तक पहुंचने के लिए 120 साल लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ये 5,000 पैसेंजर्स 120 साल तक इस स्पेसशिप के अंदर जिंदा कैसे रहेंगे। इन्हें जिंदा रखने के लिए इस स्पेसशिप के अंदर एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर एक पैसेंजर्स के लिए एक स्लीपिंग कैप्सूल्स बनाया गया है, जिनमें सबको मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के द्वारा एक लंबी नींद सुला दिया गया है। और होमस्टे 2 तक पहुंचने से ठीक 4 महीने पहले ये सब नींद से जाग जाएंगे। इन कैप्सूल्स में एक ऐसा मेडिसिन का यूज किया गया है, जिसके वजह से इन 5,000 पैसेंजर्स की उम्र इन 120 साल में एक दिन भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से एक कैप्सूल खराब हो जाता है, और उसके अंदर जो सो रहा था उसकी नींद होमस्टे 2 तक पहुंचने से 90 साल पहले ही टूट जाती है। इसका नाम है जेम्स। नींद टूटने के बाद एक कंप्यूटर उसे वेलकम करके कहता है, इस शिप में हर एक फैसिलिटीज मौजूद है जिसका आप आनंद उठाएं। होमस्टे 2 पहुंचने पर आपको बता दिया जाएगा। जेम्स यहां बाकी सबको सोते देख कुछ समझ नहीं पाता है, क्योंकि होमस्टे 2 पहुंचने से ठीक 4 महीने पहले सब कोई नींद से एक साथ जागने वाला था, लेकिन यहाँ जेम्स अकेला जाग चुका है। इसके बाद जेम्स शिप के इधर उधर भागने लगता है और ढूंढने लगता है कि और कोई उसके तरह नींद से जागा है कि नहीं। फिर जेम्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम के पास पहुंचता है, और उस कंप्यूटर प्रोग्राम से जेम्स को पता चलता है कि वो होमस्टे 2 पहुंचने से 90 साल पहले ही नींद से जाग गया है। यहाँ जेम्स समझ जाता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अब 90 साल जेम्स अकेला इस शिप में क्या करेगा, ये सोच के उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर जेम्स शिप के इधर उधर ढूंढने लगता है कि कोई तो हो जिससे वो मदद मांग सके। जेम्स पायलट रूम के बाहर जाके देखता है, वहाँ भी सब कोई सो रहा है और शिप ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। जिसके बाद जेम्स एक कंप्यूटर के मदद से पृथ्वी पे मैसेज भेजता है कि प्लीज मुझे कोई हेल्प करो, मैं पहुँचने से 90 साल पहले ही जाग गया हूँ। यहाँ जेम्स को कंप्यूटर कहता है कि ये मैसेज पृथ्वी तक पहुँचने में 30 साल लगेंगे और वहाँ से रिप्लाई आने में और 45 साल। मतलब कि एक मैसेज करके रिप्लाई के लिए जेम्स को टोटल 75 साल वेट करना होगा। ये सुन के जेम्स पागलों की तरह मदद के लिए इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते फाइनली उसे बार के अंदर एक इंसान दिखता है। फिर जेम्स उसके पास जाकर कहता है, मेरा कैप्सूल खराब हो चुका है जिसके वजह से मैं 90 साल पहले ही जाग गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई इंसान नहीं है, एक रोबोट है। तो रोबोट जेम्स से कहता है, कैप्सूल खराब हो जाए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ इतनी हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो कि कभी खराब नहीं हो सकता। यहाँ जेम्स समझ जाता है कि इस रोबोट से उसे कोई भी मदद नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद जेम्स निराश होकर यहाँ से चला जाता है। फिर जेम्स को एक बुक मिलता है जिसमें उस स्लीपिंग कैप्सूल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जेम्स इस बुक को लेके अपनी स्लीपिंग कैप्सूल को रिपेयर करने का कोशिश करता है, लेकिन जेम्स यहाँ फेल हो जाता है। जिसके बाद जेम्स पायलट रूम तोड़ के पायलट को जगाने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी वो दरवाजा तोड़ नहीं पाता है। मतलब जेम्स इस शिप में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। फिर जेम्स बार में जाके उस रोबोट से कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो यहाँ बिल्कुल फंस चुका हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके, अब तो लगता है इस शिप में ही मेरी मौत हो जाएगी। यहाँ रोबोट जेम्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है, तुम्हारे पास जो नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, जो है उसका मजा लो और उसे दिल से वेलकम करो। इस मोटिवेशन के बाद जेम्स सोचता है, इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है उसके पास, तो एंटरटेनमेंट के लिए जो जो फैसिलिटीज इस शिप में मौजूद है क्यों ना उसका मजा लेते हुए अपनी बाकी जिंदगी गुजार दो। फिर जेम्स शिप के अंदर कभी बास्केटबॉल खेलता है, कभी डिस्को में डांस कर लेता है, तो कभी मूवी देख लेता है। लेकिन एक इंसान के पास एंटरटेनमेंट के लिए चाहे सब कुछ हो, वो अकेले ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। ऐसे ही देखते देखते एक साल बीत जाता है।
और जेम्स अभी अकेले रहते रहते पागल होने लगता है, जिसके बाद जेम्स सुइसाइड करने का सोचता है, लेकिन वो भी जेम्स नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है। फिर एक दिन जेम्स दारू की बोतल से टकरा के एक कैप्सूल के सामने गिर जाता है। इस कैप्सूल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सो रही थी। इस लड़की को देख के जेम्स को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। फिर जेम्स सोचता है क्यों ना इस लड़की को भी जगा दिया जाए, क्योंकि उसे कोई चाहिए जिसके साथ वो बात कर सके, टाइम बिता सके, और वैसे भी जेम्स को तो इससे प्यार हो गया है। जिसके बाद जेम्स रोबोट के पास जाके पूछता है क्या उस लड़की को नींद से जगाना सही रहेगा, क्योंकि अगर उसे जगा दिया तो उसे भी मेरी तरह अपनी बाकी की जिंदगी इस शिप में गुजारनी पड़ेगी। यहाँ रोबोट जेम्स से कहता है अगर तुम्हें ठीक लगे तो उसे जगा दो, क्योंकि तुम्हें भी तो कोई चाहिए जिसके साथ तुम टाइम बिता सको। फिर एक दिन जेम्स उस लड़की की स्लीपिंग कैप्सूल को खराब कर देता है और उस लड़की की जागने से पहले ही वहां से भाग जाता है। और नींद से जागने के बाद इसे भी लगता है कि शिप होमस्टे 2 पहुंच चुकी है, लेकिन जब वो देखती है कि उसके अलावा बाकी सब कोई सो रहा है तो वो डर जाती है और ये सब क्या हो रहा है जानने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी वो जेम्स को देखती है और जेम्स को अपना नाम बताती है, अरोरा, और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ जेम्स उससे कहता है शिप के होमस्टे 2 पहुंचने से 90 साल पहले ही सिर्फ हम दोनों नींद से जाग गए हैं। ये सुन के अरोरा बहुत डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की 90 साल इस शिप में वेस्ट नहीं करना चाहती है। हो सकता है वो 90 साल तक जिंदा ही ना रहे। जिसके बाद वो पायलट के रूम के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अरोरा भी यहाँ फेल हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को संभाल लेती है और जेम्स के साथ अच्छा वक्त बिताने लगती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और यहाँ वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जिसके बाद जेम्स अरोरा को प्रपोज करता है और अरोरा एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और ऐसे ही दोनों अच्छे वक्त बिताने लगते हैं। फिर एक दिन जेम्स डिसाइड करता है वो अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करेगा और प्रपोज करने के लिए उसे बार में बुला लेता है। यहाँ रोबोट को जेम्स ने ये कहने से मना किया था कि जेम्स ने ही अरोरा की कैप्सूल खराब करके उसे नींद से जगाया था, लेकिन प्रपोज करने से कुछ देर पहले ही रोबोट अरोरा को सब कुछ बता देता है। ये सुन के अरोरा जेम्स के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। जेम्स अरोरा को समझाने का कोशिश करता है, लेकिन वो जेम्स का एक भी बात नहीं सुनती है। फिर वो जेम्स को मारने के लिए जाती है, लेकिन प्यार करने के वजह से नहीं मार पाती है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाता है। फिर रात के वक्त शिप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण शिप का ग्रेविटी लॉस हो जाता है और सोते सोते जेम्स हवा में फ्लोट करने लगता है। दूसरी तरफ अरोरा स्विमिंग करते वक्त पुल का पानी ग्रेविटी लॉस के कारण एक बहुत बड़ा बबल बन जाता है और उस बबल के अंदर वो फंस जाती है और उसमें से निकलने की बहुत कोशिश करती है। तभी अचानक से शिप ठीक हो जाता है, लेकिन इस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और एक स्लीपिंग कैप्सूल खराब हो जाता है, जिस कैप्सूल के अंदर इस शिप का एक पायलट सो रहा था। फिर जेम्स और अरोरा पायलट के पास जाकर सब कुछ बताते हैं और इस प्रॉब्लम का सलूशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन तभी अचानक पायलट के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसके बाद उस पायलट को एक कंप्यूटर स्कैनर में स्कैन करने से पता चलता है उसके शरीर के अंदर टोटल 212 तरह का रोग पैदा हुआ है और उसके हाथ में ज्यादा वक्त नहीं है। फिर पायलट उन दोनों से कहता है अभी इस शिप का और हजारों लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों के ऊपर है। ये कह के पायलट मर जाता है। उसी वक्त शिप में दोबारा टेक्निकल प्रॉब्लम होने लगता है। फिर अरोरा और जेम्स बहुत ढूंढने के बाद उन्हें इस प्रॉब्लम का पता चल जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जेम्स को शिप से बाहर जाना पड़ता है। और बाहर प्रॉब्लम ठीक करने के बाद जेम्स की स्पेस शूट के अंदर ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है, जिसके वजह से वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी अरोरा स्पेस शूट पहन के बाहर आके जेम्स को बचा लेती है। इसके बाद फिर से दोनों एक हो जाते हैं और जेम्स अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और अरोरा एक्सेप्ट कर लेती है और अब दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। फिर मूवी हमें बहुत साल बाद दिखाती है कि शिप होमस्टे 2 के बिल्कुल करीब आ चुका है, जिसके लिए सब नींद से जाग जाते हैं और सब कोई स्लीपिंग रूम से बाहर आके देखते हैं। शिप के अंदर पेड़ पौधे जानवर बहुत कुछ है, ये देख के सब कोई हैरान हो जाते हैं। तभी स्पीकर में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बजने लगता है, जिसमें अरोरा कहती है इस शिप पे मैं और जेम्स बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिताई है। जब आप सब सो रहे थे
हम दोनों अपनी जिंदगी दाव पे लगा के इस शिप का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है ताकि आप सब सही सलामत होम स्टे 2 तक पहुंच सके। हमने तो अपनी जिंदगी खुशी से बिता ली है, बाकी आपकी नई जिंदगी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।